अब चल नगर गोविंद गुरु का, अब चल नगर गोविंद नगर गोविंद गुरु का, अब चल नगर गोविंद गुरु का। मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप सायारा। मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप सायारा। अब चल नगर गोविंद गुरु का, अब चल नगर गोविंद गुरु का। करते बसाया सर्व सुख पाया, बुद्ध पाई सिख विकासे। करते आप बसाया सर्व सुख पाया, बुद्ध पाई सिख विकासे। अब चल नगर गोविंद गुरु का, अब चल नगर गोविंद गुरु का। गुण गावे पूरन परमेश्वर, कार्य आया रासे। गुण गावे पूरन परमेश्वर, कार्य चल नगर गोविंद गुरु का, अब चल नगर गोविंद गुरु का। प्रभु आप स्वामी
बहु नानक सतगुर बलिहारी जिन्हें चल नगर श्री हजूर साहब आप दी नदेड़ दा इतिहास सरवण कर रहे। मेरे दादा गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने इस धरती नू पाग लाए, जिथे जिथे अलाही कौतक बरताए निशानी वजो अस्थान बने हुए। एक पावन स्थान है गुरुद्वारा बंदा घाट साहिब। दाता जी ने की सुनिया, माधो दास बैरागी रहता है, सतगुरु महंत जैत राम को पुछते ने, जैत राम माधो दास दा डेरा किथे है? जैत राम कहिंदा है, महाराज उहदे डेरे ते ना जायो, वो बहुत रिद्धियां सिद्धियां दा मालक है ते साधु संतां दी नरादरी करदा रहता है। लगदा ते इंज है जिवें आदर देंदा होवे, कोई जावे ना उहदे डेरे ते बड़े सत्कार नाल पलंग ते बिठांदा है, ते मगरों अपनी शक्ति दे नाल उसे पलंग नू उल्टा देता है, नरादरी करता है। अपना आसन राजियां वर्गा, पेक साधुआं वाला, पैरां विच लकड़ां दियां खड़ावां, हाथ विच दुध दे गड़बे, पर मन दे विच उहदे रती जिन्ना भी प्यार है, उहदे डेरे ते ना जायो नरादरी करदा है। गुरु महाराज कहिंदे ने, जैत राम तू मैनू पता दस, होएगा उही जो निरंकार नहीं करना है। अज मेरे दादा जी गुरु गोविंद सिंह महाराज बहुत सारिया सिख संगतां दे नाल माधो दास बैरागी दे डेरे ते पहुंच जाते। माधो दास ते है कोई नहीं, इस दे सिख सेवक बैठे ने। जदों मेरे महाराज नू तकिया ना सिख संगतां वल देखिया भी ये कौन ने, इन्हां नू माधो दास दा डर नहीं, कोई भै नहीं, किमें आके साडे डेरे विच बह गए। ते माधो दास दे सेवक दौड़ गए, जाके माधो दास नूं दसदे ने अपने डेरे दे विच पता नहीं कौन आ गया, तुहाडा भै भी उहनां नूं कोई नहीं है, चलो वे मैं देखदा हां जाके। जदों माधो दास बैरागी आया की देखता है, आओ कोई पलंग दे उपर बैठा है, लगा रिद्धियां सिद्धियां बरत,
भी इस पलंग नू उल्टा दे, केड़ा चले गुरु दी चाला, गुरु दी चाल कौन चल सकदा है प्यारे ओ, ए रिद्धियां सिद्धियां ते इस दाते दी चरना दी तूड़दियां भी दसियां ने, जदों कोई शक्ति ना ना चली आके चरना ते टेरी हो गया महाराज, मैनू बख्श दियो तुसी कौन हो। माधोदास तू जानदा है, मैं जानदा हां भई, अपने हिरदे अंदर चात मार कुछ सोचन लग पिया, तुसी गुरु गोविंद सिंह दी महाराज, हां भई तू सही पछाणिया है, मैं ते बंदा ही तुहाडा हां, बेजे तू बंदा साडा है ते फिर बंदियां वाले काम कर, कोई बंदियां वाले भी काम करिया कर महाराज, अज तो तुहाडा बंदा हां, जिवें तुसी कराओगे ना उवें होएगा। सत्संगियो फिर मेरे महाराज जी ने इनू अमृत दी दात बख्शी, बंदा सिंह बहादुर बना दिता, एहो जी इस बंदे विच बहादुरी पाई। ते अज आपां जदों बंदे बहादुर दा इतिहास पढ़ते हाँ, पढ़ के सुन के सिर झुक जाता है, जिथे ये रहमतां होईयां उथे अस्थान बनिया होया है गुरद्वारा बंदा काट साहिब। गोदावरी नदी दे किनारे ते गुरद्वारा नगीना काट साहिब है। एक दिन महाराज जी बैठे सन किनारे ते नदी दे, एक बंजारा सिख कालू नायक एक नगीना महाराज जी अगे रखिया, ते दाता जी ने पहचान लिया भी इहदे मन नू होमे दी मैल लगी हुई, नगीना चुकिया ते नदी विच सुट दिता। जिस तरह बहादुर शाह दा अहंकार तोड़िया सी ना, इहदा भी अहंकार तोड़ दिता, सानू तेरे नगीनियां दी लोड़ नहीं, असा इन्हां पत्थरां नू की करना है। इहदे सिर दे उत्ते मेर भरिया हथ रखिया, इहनू ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था प्राप्त हो गई, इह नगीना घाट दा इतिहास है। इसे स्थान तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने प्रातन सतयुगी तपो स्थान प्रगट किया, जिहदा नाम लिया हिरदा ठंडा होंदा है, जिहदा नाम लिया मन विच श्रद्धा बन जाती है। अब चल नगर सचखंड श्री हजूर साहिब। एक दिन मेरे दाता जी ने एक तीर छड़िया, कहंदे ने गुरसिखो जिथे तीर जाके डिगेगा ना ओही साडा प्रातन सतयुगी तपो स्थान होवेगा, जाओ जाके देखो किथे डिगया है। महाराज फलानी जगह ते डिगया है, दादा जी गए हां बई, ये साडा सतयुगी तपो स्थान है। बहादुर शाह कहन लगा महाराज असी ते यकीन करदे हां, पर कोई निशानी भी ते दसो ना। सचखंड तवारीख विच ये इतिहास लिखिया है, खोदो लखो खराओ कमंडल चौकी आसन नामा। जदों मिट्टी खोदी ना
थल्यों कमंडल चौंकी आसन सतगुरां दियां ये निशानियां ने। ऐसे ही स्थान ते मेरे दादा जी ने मात लोक यात्रा दियां अंतम घड़ियां गुजारियां। इसे स्थान ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गुरदा गद्दी बख्शी। बहुत बैराग में यो घटना है, शाम दा वक्त है, रहरा साहिब दा पाठ होया। मेरे दादा जी आराम करन वास्ते अपने आसन ते गए, ते दो पठान सतगुरां ते हमला करन वास्ते आ गए। एक बार खलो गया, एक तंबू दे अंदर चला गया। महाराज लेटे हुए ने, इदे हाथ विच तेज धार वाला छुरा है, इन्हें दादा जी दे पेट दे उपर वार कर दिता है। जदों वार करके दौड़न लगा, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पकड़ लिया, बांह तो पुंजे सुटिया, म्यान चो कृपान कढ़ी, उथे ये पापी नू चटका दिता है। एक बार खलोता है, वो सिंगा ने मार दिता। संगतां दौड़ियां आईं, दाता जी ते बार हो गया, बस्तर खून दे नाल लत पत पे। महाराज कहंदे ने, सिंगो घबराओ नहीं, उस निरंकार ने मेर कीती, मैं ठीक। बैद लोग आए, मालम पट्टी कीती, जकमा ते टंके भी ला दिते। अज हो कल हो, मेरे दादा जी तंदुरुस्त हो गए। एक दिन कमान दे उपर तीर रखिया है, दादा जी खिंच रहे, जकमां दे टंके टुट गए। कहते प्यारे ओदी लीला है, गुरसिख संगतां नूं बुलाया। मेरे महाराज कहंदे ने, प्यारियो हुण असी शरीर करके तुहाडे तों बिछड़ जाना है। जदों आ गल महाराज जी ने कही, ते सारियां सिख संगतां दाता जी दे आले दुआले कट्ठियां हो गईयां। ना महाराज इंज ना करो, असी ते तुहाडे दर्शन कर करके जीवदे हां, सानू केदे लड़ ला के चले हो। गुरु महाराज कहंदे, भई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, महाराज फिर असी गल्लां केदे नाल करांगे, केदे अगे जोदड़ियां कराया करांगे। गुरु महाराज कहंदे, जदों तुहाडा जी करे ना मेरे नाल गल्लां करन वास्ते, तुसी शरदा दे नाल बाणी पढ़ना, मेरे नाल ही गल्लां होणगीआं। अज ओह दिन आया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा प्रकाश करवाया। पांच पैसे नारियल सतगुरां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे रखे, परकरमा कीतियां, ते की हुकम कीता, आग्या पई अकाल की, तवे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मालियो ग्रंथ। अज तो बाद देहधारी गुरु नहीं होवेगा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गुरु हो। अंगीठा तैयार करवाया, दाता जी कहंदे ने, मेरा अंगीठा किसी ने फोलना नहीं। सतगुरु महाराज अंगीठे दे अंदर प्रवेश होए, ते सतसंगियो शरीर करके गुरु गोविंद सिंह महाराज
संगतां दे अखों ओले हो गए शरीर रहमतां करके अज भी वरत रहे ने गुरु गोविंद सिंह महाराज वरतदे रहणगे विचरदे रहणगे श्रद्धा वालियां नूं ते अज भी पै मिलदे बड़ी प्यार वाली रूह बाबा निदान सिंह दी एते होए आईया संगतां दी जल पानी नाल सेवा करिया करदे सन एक दिन कोई गुरसिख कहिंदा है बाबा भुख लगी है कुछ खवा जदों टोकरी विच चा तुम्हारी टोकरी खाली है और सामने बारी ये खोलदा जदों बारी खोलन लगे ते एक सेवादार लड़ पिया है बोल कबोल पिया बोलता है बाबा जी दे मन बैराग आ गया मैं हुण इत्थों चले जाना रहना जदों समाधि लीन होए ना ते एक अलाही आवाज आई बाबा तुसा जाना नहीं मेरे प्रातन लंगर स्थान ते लंगर चलाओ जेब मेरी होवेगी हाथ तुहाडा होवेगा जिन्ने मर्जी कड के खर्ची जाना कदे भी तोड़ नहीं आवेगी ते मैं कदे भी लंगर छकण तो बगैर नहीं जावांगा जदों आ वचन सुने ना मैं कदे भी लंगर छकण तो बगैर नहीं जावांगा कलगियां वालिया तां ते फिर तू रोज ही आंदा है फिर लंगर चलाया वे इत्थे स्थान बनिया होया ए गुरुद्वारा लंगर साहिब प्यारियो जदों आपां तख्त साहिब दे दर्शन करदे हां ना सज्जे पासे कलगियां वाले प्यारियां दी प्यारी निशानी बड़ी हुई है भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह दा अंगीठा माता भागो जी दा अंगीठा इस स्थान ते बनिया होया होर भी निशानियां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज श्री दसम ग्रंथ जी श्री सर्वलोक ग्रंथ कलगीधर महाराज जी दी छोटी कृपान कंगा प्रातन कटार तीर मेरे दादा जी दे प्रातन इतिहासक तोप बंदूकां होर भी बहुत सारिया निशानियां ने इंज कह लईए नदेड़ दी धरती दा एक एक चप्पा मेरे दादा जी ने पवित्र कीता होया है ओ लोग भागां वाले ने जिन्हां ने दर्शन कीते ने बे जिन्हां ने नहीं दर्शन कीते ओ जरूर इस स्थान दे दर्शन करो आपां कहिंदे हां ना श्री हजूर साहिब हां बई इत्थे हजूर सदा ही हाजर रहिंदे ने ऐ गुरसिखा तैनूं उड़ीकदे भी रहिंदे कोई गुरसिख किधरे भी बैठा है हर रोज दिन विच दो वार ते जरूर श्री हजूर साहिब नूं याद करदा है बई ओ किवें आ जदों आपां नित नेम करके अरदास करदे हां ना ते कहिंदे हां ना पंजां तख्तां समूह गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी श्री वाहिगुरु प्यारियो टी सी कंपनी ने उपराला कीता है आप दी इन्हां स्थानां दे दर्शन वीडियो राहीं भी कर सकते हो अब चल नगर गोविंद गुरु का यही है प्यारे
अब चल नगर गोविंद गुरु का, अब चल नगर गोविंद गुरु का, अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया, अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया, अब चल नगर कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन्हे थान सुहाया, कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन्हे थान सुहाया, अब चल नगर गोविंद गुरु का, अब चल नगर गोविंद गुरु का, अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया, अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया, अब चल अब चल नगर गोविंद गुरु का। सच्चा अमर गोविंद दा सुन गुरु प्यारे, सुन गुरु प्यारे, सच्चा अमर गोविंद दा सुन गुरु प्यारे, 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 सच्चा अमर गोविंद दा सुन गुरु प्यारे, सुन गुरु प्यारे, सच्चा अमर गोविंद दा सुन गुरु प्यारे, संगत मेलाप कर पंच दूत सिंगारे, पंच दूत सिंगारे, सत संगत मेलाप कर पंच दूत सिंगारे, पंच दूत सिंगारे,
ਜੁਰਤ ਟੋਈ ਨਾ ਲੈਣ ਜੋ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਟੋਈ ਨਾ ਲੈਣ ਜੋ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਸੁਣ ਗੁਰੂ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਅਲਾਹੀ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਘੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਅਲਾਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਦੇੜ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਟੇਕਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾ ਘਾਟ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਹੀਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਦਾ ਏ, ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਦੀ ਭਰੀ ਪਈ ਏ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਬਈ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਚੁੱਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ। ਓਏ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਦੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਦਾਦਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ।
खावो खर्चो रल मिल पाएगी, तोट ना आवे बात हो जाए। नहीं रल मिल के खर्च आए ते पत्थर दे टुकड़े समझ आ गई। फिर बहादुर शाह कहंदा है महाराज तुहाडे पल्ले नाम तां है। हां बई ये निरंकार दी दरगाह विच भी चलदा है प्यारियो। इत्थे गुरुद्वारा बनिया होया है, गुरुद्वारा हीरा काट साहिब। बहादुर शाह कहंदा है महाराज फिर ऐ दुनियावी धन मेरिया फौजां नूं दे दे, ये खर्च लैण की रल मिल के। बहादुर शाह ये गुरु नानक दा दरबार है, जो भी कुछ मंगदा है ना इथों मिल जांदा है, जरूर देवांगे। ते फिर एक दिन वो आया, मेरे दाता जी ने ढाला भर भर के सोने दियां मोहरां दियां शाही फौजां नूं वंडियां। ढाला भर भर के सोने दियां मोहरां दियां, कुछ फौजी झोलियां भरी जांदे ने मोहरां दे नाल, ते रस्ते दे विच अगों होर सैनिक मिल गए। बई किधरों आखिया साहिब मोहरां वंड रहे, साहिब मोरा वंड रहे, कल राज मिलिया ते अज मोरा भी वंडन लग पे। नहीं पलियो अपने साहिब नहीं संगत के साहिब मोरा वंड रहे ने। पाप बहादुर शाह नहीं गुरु गोविंद सिंह महाराज, अपने साहिब नहीं संगत के साहिब मोरा वंड रहे ने। बस प्यारियो इस स्थान दा नाम ही फिर संगत साहिब पै गया। इत्थे स्थान बनिया होया है गुरुद्वारा संगत साहिब। इसे स्थान ते बैठ के मेरे दादा जी संगतां नूं खुले दर्शन दीदारे दिंदे, ते कथा कीर्तन नाल संगतां दी झोली भरदे। इह नदेड़ दी धरती बहुत भागां वाली है, इत्थे कल्ला इंसानां दा ही नहीं उधार कीता, मेरे दाता जी ने पशु पंछियां दा भी उधार कीता। कलगीधर महाराज घोड़े ते सवार होके बहुत सारे गुरसिख नाल ने शिकार खेडण वास्ते निकले ने। जदों संघने जंगलों विच गए ना, ओ सामने झाड़ियां दे विचों एक खरगोश निकलिया। महाराज जी ने बांह विचों कमान लाया, तीर रखिया, निशाना बनिया, ते ए तीर खरगोश दे लगा ते खरगोश प्राण त्या। गुरसिख पुछदे ने महाराज इस खरगोश नू क्यों मार दिता है। महाराज कहंदे भी ये साडा सिख सेवक है, मित्र है प्राणा, किसे जन्म दे विच इहदे नाल कोई वचन कीते सन ते अज असां नवा दिते। महाराज वचन नवा दिते, किसे जन्म विच ये मित्र सी सिख सेवक सी, गल समझ विच नहीं आई। ते गुरु गोविंद सिंह महाराज सारी गल खोल के गुरसिखां नूं सुना रहे ने। एक दिन बाबा नानक जी कहंदे ने बालिया,
मुल्तान दी धरती ते मेरा बड़ा प्यारा मित्र रहिंदा है मूला, चल ओनू मिल के आईए। चले गए मिलन वास्ते, जदों मूले दे पिंड गए ना ते मूले दी घरवाली ने दूरों ही देख लिया के गुरु नानक आ रहे। अगे कदी घोड़िया ते आवे कदे शाही ठाट, अज साधुआं वाला लवास मेरे पति नू लै जांदे, कई कई दिन घर नहीं आंदे मुड़के। अपने पति नू कहंदी है इंज करो, तुसी पिछले कमरे विच लुक जाओ, गुरु नानक दी आणगे ते मैं कह देवांगी कि ओ घर नहीं। घरवाली दे आखे लग के अज मूला पालन वाले कमरे विच पिछे लुक गया। जदों आके गुरु नानक महाराज जी ने दरवाजा खड़काया ना ते मूले दी घरवाली कहंदी ए ओ घर नहीं। फिर बाबे नानक ने आवाज दिती, ओए चंद्रिया कुछ मंगना नहीं दे के ही जावा। कहंदी एक बार दसिया ए जद घर ही नहीं हां, मेरे दाता जी कहंदे ने चंगा वई जे नहीं ते फिर है ही नहीं। जदों मेरे महाराज जी ने एने बचन बोले, पिछे कमरे दे विच्चों सर्प निकलिया, निकल के मूले दे लड़ गया, तड़फदा होया आ के बेड़े विच डिग पिया है। भलिए मेरा रब वर्गा मित्र तू झूठ बोली जानी, आ देख लै मेरे सप लड़ गया है, बेड़े विच तड़फदा है, प्राण त्याग गया। घरवाली ने खोलिया दरवाजा, दौड़ के बाबा नानक जी दे मगर गई ते चरण पकड़ लए, महाराज मेरा पति प्राण त्याग गया है। महाराज आए मूले नू देख के कहंदे ओ भलिया, इन मित्रां नाल झूठ नहीं बोली दा, तरले कर दी इनू जिंदा कर देवो, ना भलिए ये जिंदा नहीं हो सकता, ये साडा मित्र है, इन्ना तेरे नाल वादा करदे हां इहदा उधार करांगे हुण नहीं दसवें जामे विच। फिर दसवें जामे दे विच मेरे महाराज जी ने इहदा उधार किया। ये जन्मां जनंतरां विच भटक रहा सी, कई जूनियां भुगतियां, हुण खरगोश दी जून भुगत रहा सी, ते जदों कलगीधर महाराज नदेड़ दी धरती ते गए ना ते इस खरगोश नू मारिया, मूले खत्री दा उधार कर दिता। इस अस्थान ते गुरद्वारा साहिब बनिया होया है, गुरद्वारा शिकार घाट। एक होर अस्थान है प्यारियो माल टेकरी साहिब, इसे स्थान ते मेरे दादा जी ने खालसे नू नवाजदे हुए बचन कीता सी, जदों खालसे दी गिनती 96 करोड़ हो जाएगी ना, इन्हां गुप्त खजानिया विच्चों अतुट लंगर वरतेगा। एथों खजाना कंडा के फौजां नू भी वंडिया, प्रेमियां नू भी वंडिया। इस अस्थान ते बाबा नानक जी भी आए सन। इस अस्थान दा नाम है गुरुद्वारा माल टेकरी साहिब, ते एक बहुत ही पावन ते पवित्र स्थान गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी। एथे माता साहिब कौर जी बराजदे सन ते गुरु गोविंद सिंह महाराज जी वास्ते एथे ही लंगर तैयार होता सी, ते दाता जी एथे बैठ के ही लंगर छकते सन।
आ एक दिन गुरसिख ने आवाजा दिता, महाराज लंगर तैयार है, आके छक लवो। सतगुरु आए, चौंकड़ा मार के बैठे, लंगर छकिया, प्रसन्न हो गए। माता साहिब कौर दी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे घरों ने ते खालसे दी अम्मा है। माता साहिब कौर नू बचन कीते महाराज जी ने, बे हुण तुसी दिल्ली चले जाओ। माता जी ने आखिया, महाराज तुहाडे दर्शन कर करके जीउंदी। सतगुरां ने शस्त्र दिते, इन्हां शस्त्रां दे दर्शन कर लवी मेरे दिदारे होंगे। माता जी इस अस्थान तो दिल्ली नू रवाना हो गए। प्यारियो, माता साहिब कौर दी खालसे दी माँ है, साड़ी अम्मा है। माँ ते सदा ही बच्चियां नू उड़ीक दी रहिंदी है, जरूर इन्हां अस्थाना दे दर्शन करिए। ऐ खालसा दी माता साहिब कौर जरूर अड़ीक दी होएगी। तीन दुनिया दर को मंदे, आ परी रुखसार मां, हर दो आलम कीमते, जगतार मुए जार मां। ऐ कलगियां वालिया, तेरी एक प्यार भरी चार मेरे लिए संजीवनी बूटी है। तेरे दर्शना दी इक झलक मेरा जीवन है। ते सतसंगियो, इस नदेड़ दी धरती दे लोग किड्डे कर्मा वाले ने, किड्डे भागा वाले ने। कहंदे ने ना, हजूर सदा इस धरती ते हाजर रहंदे ने, हजूर सदा इस धरती ते हाजर रहंदे ने, ते अपने प्यारियां नू उड़ीकदे भी रहंदे ने। आपां ताईयों कहंदे हां श्री हजूर साहिब। जिहड़े जांदे ने ना, जिन्हां ने दर्शन कीते ने, उन्हां नू पुछिए इन्हां अस्थानां ते नमस्कार कीतियां, कलगीधर महाराज जी दे प्यार दियां दर्शनां दियां झलकां पैंदियां ने। इंज लगदा है जिवें चिरां दा बिछड़िया होया ओह पुत्तर अपने मां बाप नूं मिलदा है। सच्चा अमर गोबिंद दा सुन गुरु प्यारे, सच्चा अमर गोबिंद